जय हिंद दोस्तों, ये ओवरराइडरी ताजपुर रोड लुधियाना निर्णय डोला के नाम से चलती है। चलाते हैं इसको कालू, ओबराय, मनी और भोलू। भैंस दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया भैंस है, 16-17 लीटर से लेकर 24 लीटर तक। दाम भी 1.5 लाख से लेकर के 2,07,000 तक। और एक उन्होंने बहुत ही अच्छा भैंसा दिखाएंगे जो बहुत कम उम्र का है, अभी 24 महीने का, नाम सनी है। तो उसके भी शारीरिक बनावट देखने वाली, 11-12 फुट के करीब लंबाई है, 5.5 फुट के करीब हाइट है, 2 दांत है अभी। और कैसे पाला जाएगा ये भी इन्होंने बताया। तो आइए, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? संतोष यादव। संतोष यादव, खाना वाना नहीं खाते? बहुत दुबले हो। खाना तो बहुत खाया है। फिर कमजोर क्यों है? ऊंचा बोलो। पहले खाया, अब थोड़ा कम खाता है। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हो? 5-6 तक पढ़े हैं। कितने देर से करते हो काम? काम तो लगभग ये जानवर का मेरे को 20 साल हो गए। इसको कब से जानते हो? इनको भी मैं लगभग 20 साल से ही जानते हैं, इनके पापा को भी जानते हैं। कितनी भैंस ले जा चुके हैं? यहाँ से पहले गाय लेके गए हैं। कितनी? 30। फिर अभी भैंस लेके जा रहे हैं, 6 और एक पारा। अच्छा, ये कहाँ जा रही है? ये सूरत जा रही है जी। सूरत जा रही है? हाँ जी, सूरत जा रही है। तो हम गए थे इनके यहाँ। हाँ, आप गए थे वहाँ? उन्होंने ही भेजा इनको। हाँ, क्या नाम था उनका? श्याम। श्याम भाई, उनकी सूरत में मिल थी। हाँ जी, हाँ जी। वो टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग थे शायद, ऐसे कुछ। हाँ जी, उनके खुद किताब में भी उनको छाप रखा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया फार्म उन्होंने सजाया है, बहुत बढ़िया। और उनका हर काम जो है, शेड भी उन्होंने बहुत सस्ता बनवाया है, वो इसका पार्लर है वो भी बहुत कम। मोरा भैंस भी अंकल जो लेके जा रहे हैं ना, हाँ, अभी इस पे भी एम्ब्रो ट्रांसप्लांट, एम्ब्रो करेंगे। अच्छा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का भी काम करना है। और पाड़ा भी लेके दिया, पाड़ा भी अच्छी सीमन का लेके दिया है। तो इस अब इसका दाम उसको बता दिया? हाँ, सबका दाम मालूम है। कितने की है ये? ये भैंस जो अभी चलाई है, टक वाला सींग है, क्वालिटी आप देखिए, बॉडी वेट देखो आप कैसे। अच्छा अच्छा, ये दूध भी अंकल लगभग 18-20 लीटर के बीच में दूध देना चाहिए इसको। और ये हमने लेके दिए उनको 1.5 लाख की। 1.5 लाख? हाँ जी, 18-20 देगी दूध। ब्यांत कौन सी है? दूसरा ब्यांत है जी। तो कब तक भी आएगी ये? लगभग अभी 6-7 दिन ले लेगी, लगभग 6-7 दिन ले। संतोष जी, दे देंगी इतना दूध? दे देगी दूध, 18-20 लीटर दूध ले लेगी। बॉडी वेट भी देखो ना अंकल भैंस का। अब आपके पास वहाँ कुल कितने पशु हैं? 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है? कितना दूध हो जाता है? दूध तो मान के चलिए 700 लीटर जैसा है। अच्छा, भैंस ज्यादा गाय? बछड़ी ज्यादा है अभी। इनके पास अभी 50 से ऊपर तो बछड़ी है। सही कह रहे हैं, फिर तो आने वाले टाइम में होगा दूध ज्यादा। हाँ जी, आने वाला साल में ज्यादा होगा। हाँ हाँ, तो कल अब वो पहले वाली जो बड़ी हेल्दी है, वजन बहुत है। हाँ, और ब्यांत कौन सी बताया उसका? दूसरा है। हाँ, ये दूसरे वाली, इसका तो ब्यांत ज्यादा लग रहा है। नहीं, इसको भी आपको चला के दिखाते हैं। ये भी अभी 6 दांत ही है। हाँ जी, दूसरे उससे भी तगड़ी है। तगड़ी सभी बैंस ही हैं। संतोष, तुम्हारा अंदाजा क्या कहता है? मेरा अंदाजा 20 लीटर दूध तो 20 लीटर इसको निकालेंगे ले जाकर। दाम कितना होना चाहिए? ये भी उसके बराबर लिया जी, दोनों जो गाबर बैंस हमने 1.5-1.5 के बराबर लिए। अच्छा, तीन लाख में? 3 लाख में जोड़ा, 2,000 कम है पर 3 लाख लगा हुआ। 3 लाख लगा, दोनों 20-20 तक दे देंगे। समय कितना बाकी दोनों का? दोनों का समय वही 7-8 दिन बाकी है। तो रास्ते में तो नहीं भी आ जाएंगे? हाँ जी, रास्ते में तो नहीं भी आ जाएंगे? नहीं नहीं, अभी आज लोड हो रही जैसे है। जैसे गाय स्टेशन में आती है, ये भी आ जाती? नहीं, फर्क तो थोड़ा बहुत रहता है, बाकी उनके लिए हम जैसे इनके जो ओनर है वो खुद भी थोड़ा काफी अभी अनुभव है, आपने देखा ही है। अभी उन्होंने खुद ही मेडिसिन इसके हाथ में भेजी है, कैल्पिजल भी दी है, और सभी भैंसों को हमने कैटासोल का उन्होंने फीड दिखाया था। कैसे मतलब कि संतुलित आहार था, खुद तैयार करते हैं, खुद सारा फीड अपने वो जो उसका वो टीएमआर वो भी उन्होंने खुद बनाई, खुद ही बनाया हुआ जी।
और मिक्सिंग पीसने का, हर चीज का, कोई चीज हाँ का, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो डेयरी पार्लर में उनके पास ना हो। सबसे ज्यादा हाई क्वालिफाइड वही था जहाँ हम लोग गए थे। हाँ जी, सबसे ज्यादा। और महाराष्ट्र से भी हम जितने घूमे उनसे भी सबसे ज्यादा वही था। अच्छा, ये जो पीलिया हो जाता है हाँ जी, गायों को ज्यादा होता है भैंस को? भैंस को अंकल जी ना बराबरी होता है, 1,000 भैंस में, 2,000 भैंस में या 10,000 भैंस में शायद ही एक को होता है। भैंस को नहीं वो जल्दी होता? नहीं, जल्दी नहीं होता, पर वो भी होता है तो अपनी गलती के लिए होता है, और कुछ लीवर में इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए, बाकी अदरवाइज भैंस को जल्दी नहीं होता। क्यों होता है गायों में? गाय में अंकल जी जैसे अभी गर्मी आ रही है, सबसे पहला काम तो चिचड़ का ही होता है। अच्छा, हाँ जी, सबसे पहले चिचड़ का होता है, और ये बारिश के टाइम पे ज्यादा होती है बीमारी। उस समय क्या होता है कि लोग थोड़ा ड्राई मटर तो ज्यादा रखते हैं, पर जो फीड है ना उसको बदलते हैं, फीड में थोड़ा वेदर के हिसाब से थोड़ा बदलना चाहिए। ग्रीन ग्रास को या साइलेज को थोड़ा ज्यादा रख के फीड को कम करना चाहिए, क्योंकि फीड में अपना समझो जैसे पानी, ऐसी फीड बनानी चाहिए कि जिससे गाय ज्यादा पानी पिए। अगर पानी अगर आपकी गाय बराबर प्रॉपर तरीके से पी रही है और खुला उसको मिल रहा है, तो वो गाय को पीलिया नहीं होता। क्योंकि पानी अगर जब कमी होती है ना, गर्मी में भी आप देखोगे उससे स्ट्रेस आता है, उसी से पीलिया भी आएगा, फीवर भी आएगा। और गाय को कभी नहलाओ मत गर्मी में, जो बांध के रखते हैं लोग, खुले वाले तो वैसे भी नहीं नहलाते, जो बांध के भी रखते हैं वो भी गर्मी में नहलाए ना, क्योंकि जब वो नहलाते हैं ना उस समय देखो नीचे से भी हीट निकलती है, आपने भी कभी देखा होगा, नीचे से भी हीट निकलती है, ऊपर से हम पानी उनको डालते हैं, और ऊपर का जो क्लाउड होता है, हवा जो चलती है उसमें भी बहुत नमी और गर्मी गर्माइश होती है, तो उससे क्या होता है गर्म सर्द हो जाता है पशु, उससे फीवर जल्दी आता है, बार बार फीवर आता है, और बार बार फीवर, एक दो बार उनको फीवर आया गाय को तो वो तुरंत पीलिया पकड़ लेती है। अगर आपने बचाना है तो सबसे पहला वही है कि आप नहलाना बंद करो, जो उनकी फीड है वो कम रख के हरा चारा, या आपके पास सैलेज है तो सैलेज ज़्यादा डालो, नहीं तो हरा चारा ज़्यादा डालो, और खुला रखो, पानी ज़्यादा पिलाओ, और नमक की मात्रा ज़्यादा रखो। संतोष जी, सुनिए आपने बातें, सब जानते हैं, तो कैसी फीड देते हो अपने गायों को? बढ़िया फीड देते हैं, खुद खुद बनाते हो, बना के लाते? ही बना के देते हैं, बाहर अच्छा, का फीड अपने फार्म पे नहीं चलता। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन तो वहां पे 100 एकड़ जैसा हो। आपके पास बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाले हो, 100 एकड़ जमीन है? होगा वैसे तो, होगा पैसा बहुत है? पैसा मेरे पास नहीं है, सेठ के पास है। ये भैंसा दिखा रहे हैं, हाँ जी, सर से लेके पैर तक काला, श्याम ने लिया? हाँ जी, उन्होंने लिया। कितने का? ये कीमत ऊंची कीमत का, थोड़ा कितने का? ये लगभग 2 के आसपास। सस्ता है? हाँ जी, सस्ता है, सस्ता है। मक्की आप ये सोचो, आदमी ने तो इसका 3.5 लाख मांगा था, वो भी अपने किसी आदमी को डाल के हमने लिया। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है? हाँ जी, माँ का क्या रिकॉर्ड है? मदर का 24 लीटर का रिकॉर्ड है। अच्छा, हाँ जी, बाप पता कुछ है? बाप करमवीर का, करमवीर का जो बच्चा है। करमवीर का? हाँ जी। क्या खाता है ये, खुराक क्या है इसकी? खुराक देखो जिससे हमने लिया है, हमने वहां पे बात भी की थी उससे, हाँ, ज्यादा उसको कपास की खली डालते हैं, खाली चने की चूरी डालते हैं, अच्छा, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को, और साथ में मिनरल मिक्सचर का पाउडर, नमक और थोड़ा सा गुड़ डेली डेली। और दूध जैसे वो बोलते हैं कि उनके पास गाय भी रखी हुई है, दूध डेली उनको, इसको 6 लीटर दूध अभी भी जाता है। नहीं, अपने स्तर पर ही तैयार किया जहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह में ले गए थे इसको टेस्टिमोनियल्स नहीं, उन्होंने ऐसा अपने स्तर पर ही तैयार किया था, पर श्याम पाजी को भी बहुत जरूरत थी, जिससे हम मेरे पिताजी से, दादाजी से लगा लो, हम भैंस गाय भैंस बहुत लिया हमने, तो जबरदस्ती इनसे बोल कर लिया है, मक्की एक सिर्फ प्यार के कारण उन्होंने दिया हमारे को। हाँ जी, मुर्रा प्योर, हाँ जी, प्योर मुर्रा, प्योर मुर्रा है, प्योर क्वालिटी है। अभी आपने देखा ठंडा कितना है, ये तो कोई भी आप देखोगे अगर ब्रीड में कम रहेगा पाड़ा, वो आपको ज्यादा मानने वाले दिखेंगे, थोड़ा तुमने सी उसकी चाल देखी? चाल देखो ना, एक जो कितना इसको रोजाना घुमाना चाहिए? इसकी अपना 5 किलोमीटर की सैर तो चाहिए, चाहिए इसको? क्योंकि जहाँ पे ये आया है वहां पे उनका 2 एकड़ में ये खुला ही रहता था,
खुला ही था। हाँ, उन्होंने अपना कुलाई बनाया। तो माथा जो है इसका क्या कहता है? माथा तो बहुत लंबा और सिंग गोल की सिंग गोल है और पूरी लंबाई में है माथा, क्योंकि फेस लंबाई चाहिए, चौड़ा हल्का और थोड़ा लंबाई में जा रहा चाहिए। उसके रिकॉर्डिंग क्या होता है कि दूध की क्वालिटी ज्यादा आती है। 11 फुट होगा इसकी लंबाई, लगभग अभी 10.5 के आसपास होगी इसकी लंबाई, और ऊंचाई अभी लगा लो 5-4 के आसपास है। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी, बहुत टॉप का पीस है। और एक बात है, इसका सीमन जो है, सीमन तो निकलवाया नहीं होगा इसका? सीमन अभी उन्होंने निकलवाया नहीं, बाकी इसकी सर्विस चालू है। कहते हैं कि कमजोर भैंस को इसका सीमन भी नहीं दिया जा सकता, कमजोर भैंस से छोटी भैंस को, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो 45-50 kg के आसपास होते हैं, भारी होते हैं, भारी होता है बच्चा। अगर छोटी भैंस को देते हैं तो वो एक तो प्री मच्योर डिलीवरी कर देती है, जैसे 15 से 20 दिन पहले बच्चा दे देती है, क्योंकि वो बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चा ज्यादा बड़ा हो रहा है और उसको बाहर उतना सहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कमजोर भैंस है उसका बॉडी वेट उतना। हमने बलविंदर रुड़की जो उन्होंने मुक्सर मेले में जीते थे, उनके कट्टे का बनाया था, उसका नाम सूरवीर था, तो वो बिल्कुल सेम बिल्कुल डिटो था इसका। उन्होंने ये हमको उन्होंने भी बताया था, कहता कि कोई भी कमजोर भैंस वाला हमसे मतलब की क्रॉस ना करवा, सीमन ना इसका लगाए। इसका नाम भी सनी है, इसका नाम सनी है, सनी सनी नाम है इसका, इसका पाड़े का। अच्छा अच्छा इनका नहीं पाड़े का। अच्छा आप इधर आ कर नहीं, मैं इनका संतोष है तो। हाँ जी, तो इनको तो बहुत संतोष है। हाँ जी, तो इन्हें संतुष्टि तो रहेगी, ऐसी चीजें लेके जा रहे हैं अपने मालिक के लिए, और इन्होंने खुद ही बोला कि ये लेना ही लेना है। हाँ जी, अगली भैंस दिखा रहे हो। हाँ जी, इतनी बड़ी भैंस जो है तुम दिखा रहे हो जो, हाँ जी, बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत होती नहीं है तो कम ही देखने को मिलेगी अंकल जी। संतोष, इतनी बड़ी है आपके पास भैंस? वहां तो जाफराबाद जैसे ही बड़ी होती है वैसे। इतना हाइट नहीं, इतना हाइट नहीं, जाफराबाद का भी इतना हाइट नहीं है, मुश्किल होती है इतनी हाइट होनी। 5.5 पे है, 5.5। मैं गया था पास में, देखी मैंने। हाँ जी, तो कितना दूध वाली है ये? ये दूध 24 से 25 किलो वाली, 12 किलो टाइम का। 24 से 25? हाँ जी, है पिछले बेहतर 24-25 बार तो उत्तर भारत का मेला जीत गई। 23 किलो दूध दिया हुआ जी इसने। अच्छा, हाँ जी, दूसरे में अभी तीसरे में बच्चा दे रही है। तीसरे अब क्या दिया? पाड़ा दिया जी। पाड़ा दिया, हाँ जी। क्या दाम की है ये? हाँ जी, क्या दाम क्या इसका? ये अपना 2 लाख के आसपास ली है, 2,07,000। 2,07,000 हाँ, कब की भी आई है ये? अभी कल ही बच्चा दिया जी। आज दूध कितना आ गया? दूध अभी इसका हमने कितना निकाला? 6 लीटर ऐसा निकाला, बाकी छोड़ दिया जी। तो अभी हाँ जी, क्योंकि अभी ताजा बच्चा दिया, अंदर दूध भरा। बहुत बढ़िया। कितनी खुराक चाहिए इसको अंकल जी? ऐसा खुराक ये 12 किलो तक, 12 से 13 किलो फीड आराम से पचा लेगी। अच्छा, हाँ, 12-13 किलो फीड तो पचाएगी। 1 किलो पे कितनी फीड देनी चाहिए? आधा किलो कैसे? 1 किलो दूध के पीछे भैंस के रिकॉर्डिंग अपना 2.5 किलो पे 1 किलो, 2.5 किलो पे 1 किलो, क्योंकि ये भैंस थोड़ी बड़ी है, इसको दाना ज्यादा चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर बॉडी तोड़ देगी। अच्छा, हाँ, स्ट्रक्चर दूध तो देगी पर स्ट्रक्चर थोड़ा इसका नरम पड़ जाएगा। ये थानिस के बहुत बड़े बड़े हो गए, और बड़े हो जाएंगे? नहीं, बड़े नहीं होंगे, अभी जब दूध पे भरी हुई, अभी तो दूध निकाल दिए इसलिए आपको लग रहा है। अच्छा, अभी दूध निकाल दिए ना, क्योंकि आप थोड़ा लेट हो गए थे। तुमने देखी इतनी बड़ी भैंस? नहीं, आज देख रहे हैं। अच्छा, ला आगे ला, ये अगली आगे। हाँ जी, हाँ जी, अब इसका दूध कितना है? दूध अंकल जी इसका अभी आप मानोगे नहीं, अभी 17 से 18 लीटर दूध अभी रहेगी। जो तुम अब उसको भाव बताओगे वो मान जाएगा? नहीं, उसको बता के नहीं लेगी, कोई टेंशन बता के नहीं, जब बाद में बताते हो कई बार। बाद में ऐसा भैंस हमने ले ली, पाड़ा भी हमने ले लिया, रंगीला को तो बाद में बताते हैं, इसको भी बाद में, इसको हमने भैंस ली है 3 दिन से। लेने के बाद बताते कितने के लिए? 3 दिन हो गए भैंस लिए को। अच्छा, हिसाब आज डाला है उसको, एक भी भैंस का उसको जो अभी छोटे बच्चे लिए पाड़ी लिए उसके लिए, हाँ, किसी का कुछ नहीं बोला। तो ये कितना दूध दे देगी? विश्वास कितना दूध बताया इसका भैंसों का? इसका ये घुमाइए, जो घुमाइए वो अंदर बांध दी हमने। वो भैंस अंकल जी लगभग वो भी
सब बैंस हमने ज्यादातर ली है, एक ही बैंस हमने 16-17 लीटर वाली ली है, बाकी सब 18 से 20 लीटर और 20 से ऊपर। जांच कौन सी इसकी? दूसरा बैंस है, 6 दांत है। 6 दांत है, कितने की ली है? ये 1,72,000 की। 1,72,000, तो हाइट जो इसकी उसके पहले वाली के बिल्कुल बराबर ही है। हाँ बिल्कुल बराबर है, थोड़ा ये कम होगी, उसकी लंबाई बहुत है, वो बैंस की अगर आप देखो उसकी लंबाई बहुत है, आपके सामने खड़ी है। तीसरी भी है वो वाली, तो ये कितने की थी? ये दूसरा बैंस है, 6 दांत है। चलो लिया। ये भैंस जो दिखाई है, हाँ जी, क्या कहोगे इसके बारे में? ये भैंस बहुत अच्छी है, ब्रीक चमड़े की है, पतली चमड़े की, बियाने वाली। हाँ जी बियाने वाली। समय? इसको 20-22 दिन का। और तो बिल्कुल दिखा रही है। 20-22 दिन बाकी भी है। भैंस दूसरी? दूसरा भैंस। पहले में कितना दूध दिया था? इसने 15 लीटर दिए। मुर्रा के लक्षण है? हाँ जी, अभी इस बार भी 16-17 लीटर दूध देगी, मुर्रा अच्छी मुर्रा में है ये भी। इसका क्या दाम था? दाम ये अपना ये 1.5 के आसपास में, 1.5 लाख। हाँ जी, 16-17 लीटर की, तो महंगी नहीं? नहीं महंगी नहीं, अगर इस समय अभी थोड़ा मार्केट भी तेज है, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है, नई चीज। ठीक, वो जो कट्टा दिखाया था उसकी कितनी उम्र थी? उम्र अभी 25-26 महीने कही होगी। 25-26 महीने। हाँ जी, 2 दांत अभी हुआ है पूरा। अच्छा, फायदा देने वाला। हाँ आगे जाके तो बहुत अच्छा फायदा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भैंस दिखाई आपने, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी गाय आपने दिखाई। हाँ जी, कर्नाटका में जिनके लिए जा रही है, क्या नाम उनका? उनका जी फार्म का नाम है वैसे ऑर्गेनिक एग्रो फार्म है, तो वो मतलब ऑर्गेनिक ही काम करते हैं, जैसे एचएफ गाय नहीं ज्यादा रखते, तो देख लो उन्होंने देसी, मतलब एज इट इज की देसी साहिवाल नहीं ली, बट ये गिरलैंडो जो ली है वो भी A2 के लिए ली है। नाम पता? ऑनर का नाम नहीं पता, क्योंकि वो तो बाहर ही रहते हैं। ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। बड़ी अच्छी गाय खरीदी है, ऐसी गाय दुर्लभ रहती है, हमारी शुभकामनाएं के साथ हैं, धन्यवाद।